हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। हम आज सॉल्व करेंगे 1.3 एक्सरसाइज, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन को लीव कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ा है, तो आई होप कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम्स में आता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इक्वेशन के हिसाब से है। तो हम ऑर्डर पेयर के हिसाब से है, देखो। तो हम पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सपोज दैट द ऑर्डर्ड पेयर्स, अब हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखते हैं। x plus y कॉमा टू और 4 x माइनस y। अब देखो, हम ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से इसको करेंगे। तो हमने ऑर्डर पेयर में पढ़ा है कि हम देखो, यहाँ ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है कि हम x और y की जगह क्या रखें कि इनको हम इक्वल कर पाए। तो देखो, हमने ऑर्डर पेयर में पढ़ा है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मिलेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड से मिलेगा। तो देखो, हमने x प्लस वाई फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मिलेगा और 2x माइनस वाई फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मिलेगा। तो हम इनको इक्वेशन की तरह लिखते हैं। देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कॉमा 2 इज इक्वल टू x माइनस y। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को हम ऐसे करके ऐसे रख देते हैं, मतलब कि x plus y is equal to 4 and x minus y is equal to 2। तो हमने क्या किया कि हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 रखा और इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज करो। अब हमने क्या किया कि इसको इक्वेशन नंबर 1 रखा और इसको 2 रखा। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। देखो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो, x plus y is equal to 4, x minus y is equal to 2। अब इसमें क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, x यहां y यहां प्लस का है और यहां माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक यहां कोफिशिएंट 1 है और यहां 1, कितने हो जाएंगे 2x is equal to 6 is equal to 6। अब यहां 2 x से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वहां जाकर डिवाइड करेगा, तो x is equal to 6 upon 2। ये एक बार और ये 3 बार। अब हमें x is equal to 3 मिला। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो आप और उसमें x की वैल्यू पुट कर दो। देखो, हम सपोज करो, मैं x इक्वेशन नंबर 2 लेता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में, तो x की जगह हम क्या लिखते हैं, 3 माइनस y इज इक्वल टू 2, 3 माइनस y इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं कि यहां 3 क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। आपको पता है कि कोई भी नंबर है उसके सामने कुछ भी ना हो तो ऐसे समझ लो, तो उसके सामने प्लस है, तो यहां ये प्लस कर रहा है, वहां जाकर माइनस करेगा, तो 2 माइनस 3 माइनस y और यहां माइनस का 1 बचेगा, तो 1 से कैंसिल, y इज इक्वल टू 1 और ये कैंसिल, y की वैल्यू हमें मिल गई।
अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। सपोज करो कि आप इसमें यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ, वहां आप सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा कि आप साइंस चेंज करोगे, साइन चेंज से एक्स कैंसिल हो जाएगा लेकिन वाई प्लस होगा, टू वाई आएगा और यहाँ टू आएगा। तो आप क्या करोगे, टू वाई टू उस तरफ जाएगा तो टू टू कैंसिल, वाई इज इक्वल टू वन ही आएगा। और फिर क्या करो, कोई भी इक्वेशन में आप वाई की वैल्यू रखकर x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो अब हम आगे चलते हैं कि इन अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखो x की जगह आप x की वैल्यू पुट करो, x की जगह आप x की वैल्यू पुट करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू टू कोमा इज इक्वल टू फोर कोमा एक्स माइनस वाई। अब x की जगह आप x की वैल्यू क्या है, थ्री है और y की वैल्यू वन है कोमा टू फोर। यहाँ क्या है, x की वैल्यू थ्री है और यहाँ माइनस वन, तो फोर कोमा टू इज इक्वल टू फोर कोमा टू। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मिलेगा और टू टू से मिलेगा, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यही हमारा, वैसे ये तो हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे लेकिन हमें पता चल जाएगा, हम बस माइंड से रख कर वैल्यू को पता लगा लेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं 1.3 एक्सरसाइज की तरफ। तो 1.3 एक्सरसाइज का एक नंबर क्वेश्चन करते हैं, लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम। अब हमें ऑर्डर्ड पेयर्स में रिलेशंस में क्या करना, ऑर्डर्ड पेयर्स में रिलेशंस में हमें ये सेट्स करने हैं। देखो a इज इक्वल टू 1 2 3 सॉरी a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड वेयर a कॉमा b बिलोंग टू r इफ एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ a इज इक्वल टू b। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि हमें a और b के एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें वन है। पहला क्वेश्चन है कि ए बराबर होना चाहिए बी के, तो हम ए बराबर होना चाहिए बी के। सपोज करो वन बराबर है जीरो के, नहीं वन बराबर है वन के, हाँ तो ऑर्डर पेयर बना दो वन बराबर है वन के। दूसरा फिर वन बराबर है टू के, नहीं टू बराबर है टू के, हाँ वन बराबर है वन थ्री बराबर है टू के, नहीं थ्री बराबर है थ्री के। तो ऐसे हम ये ऑर्डर्ड पेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन इस ये यही कहता है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर। जब हम ए को बी में मल्टीप्लाई सॉरी प्लस करें तो हमें फोर आंसर मिलना चाहिए। तो वन को हम वन से जीरो से करेंगे नहीं आएगा, लेकिन हम वन को थ्री से डायरेक्ट करेंगे तो फोर आएगा, टू को टू से करेंगे तो फोर आएगा, थ्री को वन से करेंगे तो फोर आएगा, फोर को जीरो थ्री को वन से ये फोर को जीरो से करेंगे तो फोर आएगा। तो ये हमारे फोर वाले हैं। अब हम क्वेश्चन तीसरे पर चलते हैं, क्या हो के A less than हो B, A less than हो B। देखो कैसे, A छोटा हो B से, वन छोटा है जीरो से, नहीं वन छोटा है वन से, नहीं वन छोटा है टू से, हाँ तो वन टू लिख लो, वन छोटा है थ्री से, हाँ टू छोटा थ्री छोटा है फोर से, तो यार लिख लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर तक। ए डिवाइड्स बी, बी मतलब के बी अपान ए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा फोर है कि ए डिवाइड करे बी को। देखो कैसे, वन डिवाइड कर सकता है जीरो को, हाँ जीरो अपान वन लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे जीरो डिवाइडेड बाय सॉरी वन डिवाइडेड बाय जीरो। फिर हम लिखेंगे
वन डिवाइडेड बाय वन, वन डिवाइडेड बाय टू, वन डिवाइडेड बाय थ्री, फिर क्या करेंगे, टू डिवाइडेड बाय टू होगा, सॉरी टू डिवाइडेड बाय जीरो होगा, और टू डिवाइडेड बाय टू होगा बस, और फिर थ्री डिवाइडेड बाय जीरो होगा, और थ्री डिवाइडेड बाय थ्री होगा, और फिर फोर डिवाइडेड बाय जीरो होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8।